हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मेंडल एंड हिज लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेंडल एंड हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेंडल कौन थे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेंडल का जो फुल नेम था वो ग्रेगर जॉन मेंडल था। ओके, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो लेट मी राइट। सो हिज फुल नेम इज ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, आप जो ये मेंडल थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पी प्लांट को लेके उसमें वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, और उसे जो है अपने जो पेपर है उसमें पब्लिश किया था। मैंने जो डाटा था या जो कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं अपने जो रिसर्च पेपर है उसमें पब्लिश किया था अपने और द डाटा एंड द कंक्लूजन। ओके, तो इन्होंने जो मोस्टली वर्क किस पे किया था, इन्होंने वर्क किया था पी पे। ओके, जिसे हम लोग पाइसम सटाइवम भी बोलते हैं, पाइसम सटाइवम। ओके, और जो इनका लाइफ स्पैन था, ठीक है, ये कब तक ये बॉर्न हुए थे, ये बॉर्न हुए थे 1822 में। ओके, और इनकी डेथ हुई थी 1884 में। तो टोटल ये 62 इयर्स इनका लाइफ स्पैन था। ओके, तो मीन्स 62 इयर्स तक ये जिंदा रहे थे। ठीक है, अब इसी के बीच उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसे पब्लिश किया। ठीक है, अब हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, बॉर्न इन ऑस्ट्रिया। ओके, अलॉन्ग विद दैट ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये सब आपको पहले से ही पता होगा, बट मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ ग्रेगर जॉन मेंडल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके जो रिसर्च वर्क की, तो इन्होंने क्या किया था, पी को एज अ मॉडल प्लांट लिया था और उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, अपना जो डाटा है वो पब्लिश किया था रिसर्च पेपर में। ठीक है, अब उस क्या किया था इन्होंने, इन्होंने ही प्रेजेंटेड द डाटा एंड कंक्लूजन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इन द पेपर। ओके, तो इन्होंने क्या कहता है, अपना जो एक्सपेरिमेंट्स हैं यानी कि डाटा है और कंक्लूजन है उसे पब्लिश किया था। उस पेपर का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो ही प्रेजेंटेड ऑल द डाटा एंड कंक्लूजन इन द पेपर विच इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें इन्होंने क्या कहता, अपना जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसका जो भी डाटा इन्हें मिला है या जो भी ये कहना चाह रहे थे, कंक्लूड करना चाहते हैं, वो इस पेपर में पब्लिश किया। तो अगर आपको ये पेपर पढ़ना है तो आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हैं इस पेपर को, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एंड यू विल गेट द पेपर विच इज रिटन बाई द मेंडल। ओके, अब बात आती है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे कि वेदर दोज एक्सपेरिमेंट आर ट्रू और इट इज लाइक दैट ओनली, तो टू प्रूव दैट थ्री अदर साइंटिस्ट। ओके, सो इन 1900 थ्री साइंटिस्ट, फर्स्ट कार्ल कॉलिंस इन जर्मनी, सेकेंड हुगो डी व्रीज इन नीदरलैंड एंड थर्ड ईवी तस्मार्क इन ऑस्ट्रिया। दे रीडिस्कवर्ड
मेंडेलियन लॉज इंडिपेंडेंटली। ओके, अब टू प्रूव वेदर द वर्क ऑफ मेंडल इज करेक्ट और नॉट, देन थ्री साइंटिस्ट इन 1900, द फर्स्ट वन इज कार्ल कॉरेंस इन जर्मनी, द सेकेंड वन हुगो डे रिवरीज हु बिलोंग्स टू नीदरलैंड, एंड द लास्ट वन इज थर्ड वन ई वी टेसरमार्क हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, दे अगेन डिड द सेम एक्सपेरिमेंट वॉट मेंडल हैज डिड। ओके, एंड देन दे ऑल्सो फाउंड द सेम डाटा एंड कंक्लूजन वॉट मेंडल गॉट। ओके, सो दीज साइंटिस्ट दी डिस्कवर द मेंडेलियन लॉ सेपरेटली। ओके, दे डिड एक्सपेरिमेंट सेपरेटली, दे डिडंट डू ऑल द एक्सपेरिमेंट कंबाइनली। ओके, तो दे डिड ऑल द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली एंड देन दे प्रूव दैट वॉट एवर द कंक्लूजन एंड डाटा मेंडल गॉट, दैट डाटा इज ट्रू एंड वैलिड। ओके, सो दिस इज अबाउट द मेंडल एंड लाइक वेन ही बॉर्न एंड लाइक at in which paper he has published all the data and conclusion, and what are who are those scientists who like confirm the, or we can say validate the data of Mendel. Okay, so this is the basic about the Mendel and his life. Okay, and now we will talk about like why he has chosen the pea plant. This is a very common question, mostly in the exam this question has been asked. Okay, so if we talk why Mendel chose P, this question. Okay, so mostly exams में क्या पूछा जाता है कि मेंडल ने सिर्फ P plant को ही क्यों लिया, he can take some other plant also, so why he didn't choose other plant, why he take only P plant. So the reason is that P plant, the first one is easy to grow. Okay, second short it takes short time to grow, third easy to cultivate, fourth easy to breed. And the fifth one is numerous varieties with different hereditary characters or traits. Okay, so he has chosen the pea plant because we can grow the pea plant very easily, and the growing time it will take only about 14 days you will get the pea plant. Along with that, it is easy to cultivate, it can easily breed, because means you can like do various type of like crossing by using the pea, because its half life, or we can say it takes short time to grow. Okay, so within like 15 days you can cross, do many type of plant breeding. Okay, various type of experiment you can do with these plants. Okay, and it is having numerous varieties and also with having the different hereditary characters. Okay, so he was very lucky, Mendel was very lucky to choose pea plant because it is having the various characters also, like the flower color, like the pod color, like the tallness, dwarfness. Okay, so Mendel was very lucky because he has chosen this pea plant. So he was very lucky to choose pea plant because of these characters. Okay, now we will see like what Mendel have chosen, that means which character Mendel have chosen. So as we know that Mendel have chosen the seven characters, so we will discuss all the seven characters. Okay, so now we'll discuss all the seven characters. See, like why Mendel have chosen seven characters. Okay, so here in the pea plant, Mendel have chosen the seven characters. Okay, and then they crossed with various characters, and then they saw the plant in the F1 generation as well as in F2 generation. Okay, so first of all, he had chosen the number one character, which is differences in forms of ripe seed. Okay, so the first character was, it is a differences in form of ripe seed. So when he saw this character, then they found two cases, one it is round, okay, and the second one is wrinkled. Okay, so seed tha uska shape dekha inhone, shape mein kya tha, jo seed tha wo ya to round tha ya to wo wrinkled tha, theek hai. Fir dusra character inhone kya liya, color of the seed, theek hai. To inhone kya kiya, jo seed ka uska color ko dekha, color ek ka kya tha, yellow aur dusra green. ओके, तो ये करेक्टर हो गया, कुछ सीड थे उसमें येलो के, कुछ ग्रीन,
ओके, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, कलर ऑफ द फ्लावर, फिर उन्होंने क्या कैरेक्टर लिया थर्ड, तो थर्ड कैरेक्टर था वो कैरेक्टर ऑफ द कलर ऑफ द फ्लावर, तो डोमिनेंट क्या था पर्पल और जो रिसेसिव था वो वाइट था, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, क्या शेप लिया उस पॉट्स का, शेप लिया, ओके, जो पॉट होता है ना मटर का फीका उसका शेप लिया, तो उसका शेप क्या था, इन्फ्लेटेड अगर है तो यानी कि डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड मीन्स इट इज रिसेसिव, ओके। नेक्स्ट उन्होंने लिया कलर ऑफ द अनराइप्ड पॉड्स, ओके, तो उसमें भी उन्होंने क्या किया कलर लिया, अब जो भी वही पॉड था जिसमें उसका जो बीज आता था, ठीक है, ये सीड, उसका कलर लिया, तो उन अनराइप्ड पॉड्स का कलर लिया, ठीक है, तो उसमें क्या था, एक ग्रीन था एक येलो, ठीक है। डोमिनेंट कब होगा, जब डोमिनेंट होगा तो उसका जो पॉड का जो कलर होगा ग्रीन होगा, अगर वो रिसेसिव होगा तो उसका येलो होगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या लिया, जो फ्लावर की जो पोजिशन थी, ठीक है, कि फ्लावर किस पोजीशन पे अटैच है, तो उसकी भी दो पॉसिबिलिटी थी, एक एक्जिलरी और दूसरा टर्मिनल, ओके, एक्जिलरी यानी कि डोमिनेंट और टर्मिनल यानी कि रिसेसिव, और जो लास्ट वाला था सेवन्थ वो क्या था, लेंथ ऑफ द स्टेम, ओके, उन्होंने क्या किया स्टेम की लेंथ देखी, कुछ प्लांट क्या थे वो टॉल थे, कुछ ड्वार्फ, ठीक है। टॉल कब होगा, जब उनका जो डीन है कैपिटल टी, कैपिटल टी अगर प्रेजेंट होगा तो वो टॉल हो जाएगा, अगर स्मॉल टी होगा तो वो ड्वार्फ हो जाएगा। तो मेंडल ने क्या किया, ये सेवन कैरेक्टर्स लिए और उसकी बेस पे उन्होंने क्या किया, वेरियस जो है वो क्रॉस देखे, ठीक है। अब उन्होंने इसके साथ ही साथ फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो सब देखा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताएगा कि अगर राउंड कब होगा, अगर जो जीन पेयर वो कैपिटल आर होगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। रिंकर्ड कब होगा, जब दोनों स्मॉल आर होगा, यानी जो जीन पेयर है वो स्मॉल आर होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कैपिटल आर होगा स्मॉल आर होगा तब भी वो डोमिनेंट होगा, तब भी जो जो फॉर्म होगा सीड का या सीड का जो शेप है वो तब भी राउंड होगा, ठीक है। तो ये जो दो हैं जीन पेयर ये वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जहाँ पर भी ये कैपिटल आर प्रेजेंट होगा तो इट मीन्स इट इज डोमिनेंट इन नेचर, ओके। वहाँ पर जो सीड का जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, ठीक है। अगर स्मॉल आर ये जीन पेयर आता है, ठीक है, यानी दोनों एली लगा सेम है और स्मॉल आ रहे हैं, तब जो प्लांट होगा वो रिंकल्ड होगा, अब उसकी जो फॉर्म होगी सीड की या उसका शेप होगा उस सीड का वो रिंकल्ड हो जाएगा। और ये कॉमन सी बात है, जहाँ पर भी कैपिटल आर हो इसका मतलब राउंड, जहाँ पर कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट हो रहा है, क्योंकि तभी से बोल रहे डोमिनेंट एलील, ठीक है। तो कैपिटल आर क्या है, वो डोमिनेंट एलील है, और स्मॉल आर क्या है, वो रिसेसिव है, ठीक है। तो इसी तरह ये हो गया प्लांट को कैसे इन्होंने जो शेप है उस सीड का वो देखा, ठीक है, और उसके अंदर क्या जीनोटाइप हो और उस जीनोटाइप की बेस पे जो प्लांट होता है वो राउंड या रिंकल्ड हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही इस येलो में भी कैपिटल वाई होगा तो येलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा तो तब भी येलो होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्मॉल वाई हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखा गया, जो कैपिटल वाई है वो डोमिनेंट इन नेचर है, ठीक है, क्या है, डोमिनेंट इन नेचर। इसी के साथ लेके इन्होंने क्या किया, अपना जो पहला लॉ दे दिया वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने क्या किया, ही हैज गिवन थ्री लॉज, सो मेंडल थ्री लॉज, ओके। तो पहला लॉ क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट को देख के बता दिया, जैसे प्लांट की हाइट बता दी, अगर टॉल है यानी कि उसके अंदर जो एलील है वो कैपिटल टी प्रेजेंट है, ठीक है, वो डोमिनेंट इन नेचर में है। इसी तरह शेप उन्होंने देख लिया, शेप क्या है, अगर राउंड है तो इसका मतलब दोनों उसमें से एक ना एक जो एलील होगी वो कैपिटल आर प्रेजेंट होगी, इसीलिए जो शेप है उसका वो राउंड है। ऐसे ही जो कलर है, अगर येलो है यानी कि जो एक जो एलील होगी वो कैपिटल वाई प्रेजेंट होगी, या दोनों एलील कैपिटल वाई हो सकती है, या एक पेयर जो है वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकता है, तब भी जो एलील है वो क्या है, जब भी जो कलर है सीड का वो येलो ही रहेगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे इन्होंने अपना पहला लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो ये सब लॉ हम लोग जो है आने वाली क्लासेस में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। सेकंड लॉ की तो क्या इन्होंने दिया, सेकंड लॉ दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो सेकंड लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ओके। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या इन्होंने देखा, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन्होंने देखा कि जो प्लांट है यानी कि एक इन्होंने एक सबसे पहला क्रॉस कराया पेरेंटल के बीच, उसमें जो F1 जनरेशन में प्लांट है वो सारे टॉल आए,
ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर लेके मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया। अब उन्होंने सोचा अरे ये फर्स्ट जनरेशन में तो प्लांट सारे जो हैं वो टॉल हैं, अब उन्होंने क्या क्यों ना हम इसको सेल्फ पॉलिनेट कर दें। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उसी प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट किया। अब जब F2 जनरेशन में देखा तो F2 जनरेशन में क्या हुआ कि तीन जो प्लांट हैं वो टॉल हुए, लेकिन एक जो प्लांट आया वो ड्वार्फ हो गया। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ फोर प्लांट इन F2 जनरेशन थ्री प्लांट्स फॉर टॉल एंड द रिमेनिंग वन प्लांट्स फॉर ड्वार्फ। तब उन्होंने सोचा मेंडल ने कि ऐसा कैसे हुआ, तब उन्होंने क्या किया सेकेंड लॉ दिया। ठीक है, तब उन्होंने क्या दिया सेकेंड लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मीन्स क्या हो रहा है, इसमें जो एलील्स हैं या गैमिट्स हैं वो सेग्रीगेट हो रहे हैं। ठीक है, F2 जनरेशन में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया सेकेंड लॉ दे दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, कि जो एलील्स हैं आप कह सकते हैं जो गैमिट्स हैं, दे आर सेग्रीगेटिंग फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द अपकमिंग जनरेशन। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमिट्स। अब थर्ड इन्होंने लॉ दिया, तो थर्ड लॉ दिया इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इन्होंने अपना नेक्स्ट लॉ क्या दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इन्होंने क्या किया, दो कैरेक्टर लिए। ठीक है, और उन्होंने क्या देखा, जो दो कैरेक्टर इन्होंने लिए उसमें तो जो कैरेक्टर्स है या बोल सकते हैं जो वेरियस कैरेक्टर्स है, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, और उसी के बेस पे इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मीन्स दीज कैरेक्टर दे आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। ओके, और इस केस में ये क्या किया इन्होंने, इसी को हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या ले लें, हम लोग मोर देन वन कैरेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए जो कैरेक्टर्स हैं या हम कह सकते हैं जो आने वाली जनरेशन में प्लांट है, दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड फ्रॉम ईच अदर या फ्रॉम ईच कैरेक्टर। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेंडल हैज गिवन थ्री लॉ, द फर्स्ट वन लॉ ऑफ डोमिनेंस, द सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड द लास्ट वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, सो इन द अवर कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस ईच लॉ इन डिटेल। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस लॉ ऑफ डोमिनेंस इन डिटेल, एंड देन इन द अनदर क्लास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड इन द थर्ड क्लास वी विल डिस्कस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो आई होप यू पीपुल दैट आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फैला दो, जितना हो सके अपने दोस्तों में फैला दो, उन्हें शेयर करने के लिए बोलो, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाओ, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है मिलता रहे। और जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लो, उसे ऑल पे सेट कर लो, ताकि मेरे द्वारा वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।